हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द ललन टॉक। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एक फिल्म रिलीज हुई है, इसका नाम है सरदार उधम। सरदार उधम सिंह का नाम जो है हम सब ने सुन रखा है, मगर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं है क्योंकि पब्लिक डोमेन में ज़्यादा कुछ उपलब्ध नहीं है। मगर बेसिक तौर पर ही सबको पता है कि सरदार उधम सिंह ने माइकल और डॉयर नाम के अंग्रेज ऑफिसर को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। सरदार उधम नाम की ये फिल्म सिर्फ क्रांतिकारी को ट्रिब्यूट नहीं देती बल्कि उसकी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने ला कर रखती है। ये फिल्म सरदार उधम सिंह के कैरेक्टर को स्टडी करती है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसे करने से क्या होगा, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आपको ये फिल्म देती है और वो जवाब आपके भीतर के इंसान को झकझोर कर रख देते हैं। ये फिल्म तीन लोगों के कमिटमेंट की मिसाल है। सबसे पहले उस आदमी की बात जिसकी कहानी को हमें दिखाया जा रहा है, यानी सरदार उधम सिंह। उधम सिंह जब 20 साल के थे तब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें हजारों लोगों की जानें गई और न जाने कितने घायल हो गए। जो लोग उस वक्त जालियांवाला बाग में मौजूद थे उनके सिर्फ शरीर पर जख्म हुआ, मगर उधम सिंह भीतर से जख्मी हो गए। इस घटना ने उस इंसान में इतना कोयला भर दिया कि वह अगले 21 सालों तक बदले की आग में जलता रहा। उधम को जाहिर तौर पर लोगों की मौत का बुरा लगा था, मगर उससे भी ज़्यादा बुरा उसे ये लगा था कि उसके देश में कोई बाहर वाला आया और उसने लोगों को बोलने से मना कर दिया, प्रोटेस्ट करने की बुनियादी आज़ादी छीन ली। जो लोग उसके खिलाफ गए उन्हें गोलियों से भून दिया गया। सरदार उधम सिंह अपने कॉज को लेकर इतने कमिटेड थे कि उन्होंने माइकल और डॉयर को मारने के लिए 21 साल तक का इंतजार किया। माइकल और डॉयर यानी वो ऑफिसर जिसने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में गोली चलाने की परमिशन दी थी। दूसरे शख्स हैं सुजीत सरकार। सुजीत एक बार अमृतसर गए हुए थे, वहाँ वो जलियांवाला बाग वगैरह घूमने गए, वहाँ के लोगों से कहानियाँ सुनी। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो सरदार उधम सिंह की कहानी पर फिल्म बनाएंगे। अपना ये सपना लेकर वो दिल्ली से मुंबई चले आए, मगर परिस्थितियाँ बहुत ठीक नहीं थीं। अपनी मनपसंद फिल्म बनाने की छूट नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे। ऐसे में सुजीत ने अपने इस सपने को 20 साल तक पाला। उसकी सिंचाई निराई गुड़ाई करते रहे, 7 फीचर लेंथ फिल्में बना दी। उसके बाद उन्हें अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। सरदार उधम को देखते हुए लगता है कि सुजीत सरकार को जितना समय इस कहानी तक पहुंचने में लगा वो सार्थक हो गया। शायद वक्त ने उन्हें वो समझ बख्शी, क्राफ्ट पर इतना कमांड दिया, सरदार उधम सिंह के जीवन को और करीब से देखने और समझने का मौका दिया। इसके बाद जो फिल्म बनी वो सुजीत के विजन को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही। सरदार उधम सिंह ने कहा था, टेल पीपल आई वॉज अ रेवोल्यूशनरी। सुजीत ने उस बात को बिना किसी लाग लपेट के लोगों तक पहुंचा दिया है। इस कड़ी में तीसरे शख्स हैं विकी कौशल। विकी ने फिल्म में सरदार उधम सिंह का किरदार निभाया है। विकी ने सरदार उधम सिंह जैसे दिखने के लिए मेहनत नहीं की है, वो उनके जैसे सोचने और महसूस करने में खर्च हुए हैं। किसी एक्टर को कैरेक्टर में तब्दील करने के लिए किसी फिल्म मेकर को और क्या चाहिए। फिल्म के फाइनल एक्ट में एक सीन है जहां उधम माइकल और डॉयर की मौत मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर जॉन स्वेन को अपनी कहानी बता रहा है। इस सीन में वो कहता है, पहले सिर्फ वो अपनी थी, फिर सब अपने हो गए। वो इस बात को इतने ठंडे तरीके से कहता है मानो ऐसा कुछ याद कर रहा हो जिसे वो भूल जाना चाहता है। जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हो तो आपके एक्टर से नहीं उसके निभाए किरदार से एक कनेक्शन बनना ज़रूरी है। उस एक्टर की वही जिम्मेदारी है कि जो वो महसूस कर रहा है वो आप तक बिना मिलावट के पहुंचे और उस पर आपको यकीन हो। विकी कौशल ने ये करके दिखा दिया है। सरदार उधम एक ऐसी बायोग्राफिकल फिल्म है जो इस जॉनरो को अपनी समकालीन फिल्मों से बहुत आगे लेकर जाती है। इस फिल्म में जो कुछ भी घट रहा है वो इतना रॉ और ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है कि उसकी ऑथेंटिसिटी पर शक होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बायोपिक्स के नाम पर मसालेदार सिनेमा देखने की आदत हो गई है। डायलॉग बाजी ना हो देशभक्ति वाली फीलिंग नहीं आती। रियल हीरो के वेश में रियल हीरो जब तक कुछ गुंडों को पीट न दे कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। सरदार उधम 3.5 घंटे लंबी फिल्म है। इसे देखने के दौरान आपके पेशेंस की परीक्षा होती है, मगर अपने आखिरी हिस्से में फिल्म सारा हिसाब चुपता कर देती है। उस बोन चिलिंग क्लाइमेक्स सीक्वेंस को आप अपने जहन से बाहर नहीं कर सकते, मगर वो इतना भयावह है कि आप उसे याद भी नहीं रखना चाहते। सुजीत सरकार एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनकी फिल्में आपके भीतर बदलाव की गुंजाइश पैदा करती हैं। Amazon Prime Video पर जाकर आप सरदार उधम सिंह देख सकते हैं। आज की बात यहीं तक। मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे थे द ललन टॉक। शुक्रिया।